ओके सो इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है SHRM. ठीक है, SHRM का सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्लास. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द यूनिट 1, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SHRM. ठीक है, कि हाउ द SHRM दैट इज अ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, एंड SHRM क्या होता है, HRM क्या होता है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. सो सबसे पहले बताओ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यू ऑल आर द स्पेशल हैविंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ HR. सो टेल मी व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बताओ क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. पल्लवी पल्लवी जयेश मैम कहाँ. मैनेजिंग हेलो मैम मैनेजिंग लाइक हायरिंग पीपल एम्प्लॉइंग देम एंड द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एक्सेट्रा एंड प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जो आप वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी वर्क होता है रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, क्या क्या वर्क होता है, लाइक हम उनके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनके लिए अप्रेजल देते हैं, उनको कंपनसेशन देते हैं. ठीक है, सो ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द HR. उसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है, ठीक है, तो हम उनका क्या करते हैं, एग्जिट इंटरव्यू करते हैं, उनके लास्ट में जितने भी ड्यूज होते हैं हम वो क्लियर करते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि इट अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग देखें दैट देयर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स तो कोई भी हायर कर लेगा, बट देयर इज अ नीड टू प्रॉपरली यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, मोर इफेक्टिवली एंड इफिशियंट मैनर में. ठीक है, सो उससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे. ठीक है, सो HR हायर करना इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट देर देर इज लाइक देर इज अ नीड टू प्रॉपरली यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तभी तो आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. सो यहाँ पे दो टर्म आए, फर्स्ट वन दैट इज इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. ठीक है, सो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी इज मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स. ठीक है, एंड गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट. ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, किसी मशीन की इफिशियंसी होती है ना, क्या इफिशियंसी होती है कि हम कितने कितना इनपुट देंगे, कितना कम से कम हम इनपुट देंगे. ठीक है, लेस क्वांटिटी में इनपुट देंगे और हमको कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है. सो दैट इज़ योर इफिशियंसी. ओके, जैसे ह्यूमन की इफिशियंसी होती है, ठीक है, कुछ लोगों की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की इफिशियंसी कम होती है. ठीक है, जैसे आप मैनेजर्स बनेंगे आपकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, एंड जो लेबर होंगे उनकी इफिशियंसी कम होगी. यस और नो, कैन यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस. सो इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स एंड अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है, इफेक्टिवनेस मीन्स आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए राइट थिंग्स करना है. ठीक है, किसी भी तरह के गलत प्रैक्टिसेस, ठीक है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं अपनाने हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए. दैट इज योर इफेक्टिवनेस, कि हाउ इफेक्टिवली यू आर डूइंग द थिंग्स, बेसिकली द राइट थिंग्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दैट इज योर इफेक्टिवनेस. ओके, सो नेक्स्ट इज योर स्ट्रेटजी. ठीक है, सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डील्ड विथ स्ट्रेटजी, या फिर आपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में थोड़ा पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है अबाउट स्ट्रेटजी. फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेयर द स्ट्रेटजी वॉज फर्स्ट यूटिलाइज्ड, कहाँ यूज होती थी स्ट्रेटजी, एनी आइडिया, कोई आइडिया है स्ट्रेटजी कहाँ यूज होती थी सबसे पहले. जयेश, स्ट्रेटजी वॉज फर्स्ट यूटिलाइज्ड इन वॉर, युद्ध. समझ में आया क्या बोल रही हूँ. इज देयर एनीवन. ठीक है, सो स्ट्रेटजी क्या था, फर्स्ट टाइम आपका यूटिलाइज हुआ था इन वॉर. ठीक है, वॉर में क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि कुछ लोग यहाँ से आएंगे, कुछ लोग यहाँ से आएंगे, एंड देन वी विल सराउंड अवर एनिमी. ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रेटजी. ठीक है, सो स्ट्रेटजी इज जनरली यूटिलाइज इन वॉरफेयर, बट क्या हुआ कि स्ट्रेटजी को बाय द टाइम हम लोग बिजनेस में भी इनकॉर्पोरेट करने लगे. ठीक है, कि हाउ वी कैन सराउंड अवर कॉम्पिटिटर. ठीक है, कि कॉम्पिटिटर के पास क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, हम उनको कैसे सराउंड करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं.
ठीक है. सो स्ट्रेटजी इज डिसाइडिंग दैट वेयर टू गो एंड मीन्स टू गेट देयर, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको कौन कौन से वेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, हमको कौन से पाथ में चलना है. ओके, नाउ स्ट्रेटजी इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट कि हमको करना क्या है, ठीक है, कौन से चीज को फॉलो करना है, कौन से पाथ को फॉलो करना है, हमको करना क्या है. इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन होप टू अकम्प्लिश इन लॉन्ग रन, ठीक है. सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारे लॉन्ग रन में कौन से गोल्स को अचीव करना चाहता है, हम उसको भी क्या करते हैं, अंडर द स्ट्रेटजी इंडिकेट करते हैं, ठीक है. सो स्ट्रेटजी में क्या होता है, आपका मिशन आता है, विजन आता है. सो बेसिकली आपको बताता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है. सो स्ट्रेटजी के अंदर दिस टू थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड. नाउ इट ऑल्सो कंसर्न विद अलाइंग द रिसोर्सेस ऑफ द फर्म, ठीक है. क्या करता है, अलाइन करता है रिसोर्सेस ऑफ द फर्म को, लाइक मीन्स आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है. एंड ये क्या करता है, आपका जो एसएचआर की जो बेटर स्ट्रेटजी होती है वो बेसिकली क्या करता है, फिट देता है, और वी कैन से देयर इज अ इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है. ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी एंड बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होती हैं, लाइक आपका रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, आउटसोर्सिंग है, टेलीकम्यूटिंग है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कम्पनसेशन, ठीक है. सो ऑल दिस आर द एचआर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो भी हैं आपके एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड देन इनके बीच में एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, इनके बीच में क्या करता है, इट विल ट्राई टू बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिशन ऑफ एचआरएम टू एसएचआरएम, की ट्रांजिशन कैसे हुआ हमारा एचआरएम से एसएचआरएम, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. सो एक साइंटिस्ट है, हिज नेम इज शूलर, ठीक है. शूलर ने 1992 में डेवलप किया एक 5P मॉडल ऑफ एसएचआरएम, ठीक है, 5P मॉडल ऑफ एसएचआरएम, जिसमें उसने 5 HR एक्टिविटीज को कंसिडर किया, दैट इज एचआर फिलोसफीज, एचआर पॉलिसीज, एचआर प्रोग्राम्स, एचआर प्रैक्टिसेस एंड एचआर प्रोसेसेस, ठीक है. सो दिस 5 HR एक्टिविटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन 5P मॉडल, 5P मॉडल ऑफ शूलर, ठीक है. सो दिस विल क्या करता है, ये जो 5 HR की एक्टिविटीज हैं, दिस विल प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक बिजनेस नीड एंड रिफ्लेक्ट करता है मैनेजमेंट के ओवरऑल प्लान को फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम लोग करेंगे व्हाट इज 5P मॉडल, ठीक है. सो देखो 5P मॉडल में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फ्रंट में आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी विच हैज सम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपका कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है, कि आपके इंटरनली आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उन ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेवियर है, वहाँ इंप्लॉयज कैसे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन कैसा है. नाउ सम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाउ यू बिहेव विद द अदर कॉम्पिटिटर्स, आप अदर कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के मार्केट में कैसे सेल हो रहे हैं, दिस आर योर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ इन दोनों के बीच, इन दोनों का इफेक्ट जो होता है हमारे किस पे अफेक्ट होता है, आपका बिजनेस नीड पे, ठीक है. स्ट्रेटजिक बिजनेस नीड क्या है कि मार्केट में हमको किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो एचआरएम की एक्टिविटीज है उसमें 5P मॉडल आता है. फर्स्ट वन इज द एचआर फिलोसफी विच एक्सप्रेस दैट टू ट्रीट दैट हाउ टू ट्रीट एंड वैल्यू द पीपल, ठीक है. फिलोसफी में क्या करते हैं हम लोग, फिलोसफी इज समथिंग रिलेटेड टू योर लाइक वी कैन से जो हमारा जैसे कि हम लोग ओल्ड फिलोसफीज लेंगे, ठीक है, कुछ चार्वाक की फिलोसफीज हैं, आपका महाभारत है, रामायण है, ठीक है, आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है, जैन के टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर बहुत सारी फिलोसफीज लिखी हुई हैं, लाइक बुद्धा बोलता है दैट टू मेंटेन अ मध्यम मार्ग, ठीक है, आपको बीच का मार्ग लेना है, आपको बहुत ही एक्सट्रीम किसी चीज पे नहीं जाना है, लाइक आपको एक्सट्रीम तब भी नहीं करना है, आपको एक्सट्रीम क्या कहते हैं लेविश लाइफ भी नहीं जीनी, यू हैव टू मेंटेन अ मिडिल पाथ बिटवीन दिस टू, ठीक है. सो दिस इज द फिलोसफी. सो फिलोसफी बेसिकली ट्रीट दैट कि पीपल को हम लोग कैसे ट्रीट करें और कैसे हम उनको क्या करें, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करें, ठीक है, उनकी वैल्यू को एक्सप्रेस करें. नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज एचआर पॉलिसीज. सो दिस विल बेसिकली एस्टैब्लिश द गाइडलाइंस. पॉलिसीज मतलब क्या होता है, बेसिकली रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, ठीक है, जिसको हम लोग सेट करते हैं फॉर एचआर पीपल्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर द बिजनेसेस, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस रूल्स आर द फॉलोड बाय एचआर, ठीक है, जो इम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वही दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, सो दैट आपके ओवरऑल बिजनेस में क्या होगा, ये एचआर पॉलिसीज जो होंगी वो प्रिवेल होंगी, ठीक है, एंड फॉलो होंगी. नाउ नेक्स्ट वन इज एचआर प्रोग्राम्स. सो एचआर प्रोग्राम्स क्या होता है, दिस विल
Coordinate the efforts to facilitate the change to address the major people related business issues. ठीक है, सो एचआर प्रोग्राम से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, ठीक है. उससे क्या होगा, हमारे जो बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एचआर प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो एचआर प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे एचआर प्रैक्टिसेस होते हैं लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एचआर प्रैक्टिसेस. ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री अप्रेजल. सो ये प्रैक्टिसेस को हम लोग अडॉप्ट करते हैं टू मोटिवेट द पीपल. ठीक है, टू मोटिवेट देयर रोल, टू मोटिवेट देयर बिहेवियर, दैट इज नोन एज द एचआर प्रैक्टिसेस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एचआर प्रोसेसेस. सो एचआर प्रोसेसेस एक्चुअली डिफाइंस डिफाइंस दिस एक्टिविटीज, दैट हाउ दिस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. ठीक है, बेसिकली प्रोसेस में हम लोग क्या बताते हैं, एक प्रोसीजर बताते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस इज दिस, सेकंड प्रोसेस इज दिस, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, सो एचआर प्रोसेसेस में क्या होते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो विच विल बी कैरिड आउट इन अ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस आर द फाइव पीस ऑफ योर एसएचआरएम. ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया हम लोग को? Is there anyone? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाट इज एसएचआरएम. ठीक है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो एक्चुअली द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज बेसिकली अ लिंक बिटवीन विच इज बेसिक. देखो यहाँ लिखा है दैट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली द लिंकिंग एक्टिविटी बिटवीन, वेयर इज द कर्सर, या दिस इज एक्चुअली द लिंकिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, ठीक है, जो हम एच आर हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज और उनके वर्क को हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं टू ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ. उसे क्या होता है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको फुलफिल करने के लिए हम एचआर पे फोकस करते हैं कि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, एचआर को इम्प्रूव करना है. उनके लिए हमको स्किल्स इम्प्रूव करनी है, उनको हमको स्किल इम्पार्ट करना है, उनको नॉलेज देना है, उनको ट्रेनिंग देना है. सो अल्टीमेटली एचआर इम्प्रूव होगा. एचआर हियर मीन्स इम्प्लॉइज. ठीक है, एचआर मीन्स नॉट द एचआर योर लाइक कंपनी में जो एचआर होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली एचआर मीन्स द इम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, एसएचआरएम में फोकस करते हैं टू द एचआर. ठीक है, इम्प्लॉयज, हम इम्प्लॉयज को क्या करते हैं, स्किल इम्पार्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है, उनको उनके नॉलेज लेवल में इन्हेंसमेंट करते हैं. ठीक है, उनको टाइम टाइम पे रिफ्रेशल ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सो दैट वो क्या कर सके, अपने अपने वर्क को प्रॉपर वे में कर सके, अपने टास्क को प्रॉपर टाइम में अकम्प्लिश कर सके. सो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो अपने टास्क को प्रॉपर टाइम में अकम्प्लिश करेंगे, सो दिस विल हेल्प इन अचीविंग द स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, यहाँ लिखा भी है लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डेवलप द इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट फोस्टर द इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. एंड उसके साथ ही साथ यू हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ ऑटोनोमी सो दैट वो क्या कर सके, कुछ इनोवेशन कर सकें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें अपने अपने रोल्स में, अपने बिहेवियर में. ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या क्या देना है, आपको क्रिएटिविटी के लिए अलाउ करना है, इनोवेशन अलाउ करना है, इंटेलिजेंस को उनको अलाउ करना है. ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन एंड प्लान दैट इज हाउ इट्स बिजनेस गोल शुड बी अचीव थ्रू द पीपल. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके बहुत सारी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना. क्या क्या होती है आपके, लाइक रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन है. सो यहाँ पे लिखा है, सेलेक्शन लिखा है, यू कैन मेंशन ऑल्सो द रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन है, आपका रिवॉर्ड है, अप्रेजल है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है. ठीक है, इसके साथ आपका प्रोक्योरमेंट है, आपका एग्जिट इंटरव्यू है. ठीक है, सो दिस और आर इंटर रिलेटेड. दिख रहा है यहाँ पे सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इज इट विजिबल? यस मैम. सो अल्टीमेटली क्या होता है, ये आपके टोटल एचआर जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये पूरे आपके जो एक ओवल शेप के बॉक्स में है, ये क्या है, अल्टीमेटली लिंक्ड है आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से. बेसिकली योर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो दैट इज टोटल ओवरऑल नोन एज द एसएचआरएम, मींस बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ एचआर विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, दैट इज नोन एज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एसएचआरएम इन द ऑर्गेनाइजेशन.
फर्स्ट वन ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ योर एचआरएम, एसएचआरएम, वी विल डेवलप द प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, जो आपके 5P में मेंशन है. हम क्या करते हैं, उनको डेवलप करते हैं सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. नेक्स्ट वन क्या होता है कि हम नॉर्मल एचआर में फोकस करते हैं ऑन ओनली ऑन द एचआर और जनरली द पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है. नॉर्मल एचआरएम, एचआरएम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वी विल फोकसेस ऑन जनरली द एचआर और इम्प्लॉयज, कि हम इम्प्लॉयज को कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है. बट यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, वी विल पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन विच वी फोकसेस ऑन द स्ट्रेटेजिक इशूज रेदर देन सोलली ऑन ऑपरेशनल इशूज, ठीक है. यहाँ हम स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं कि हाउ दिस स्ट्रेटजी कैन बी अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड. ओके, नाउ ये क्या करता है आपका एसएचआरएम, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं ऑफ ऑल द एचआर स्ट्रेटजीज का, टेक्टिक्स का, प्रोग्राम्स का विथ अ लार्जर फ्रेमवर्क एंड फैसिलिटेट द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइटिंग डाउन करते हैं स्ट्रेटजी. देखो हमने स्ट्रेटजी तो फॉर्मुलेट कर ली, तो जस्ट ओरल स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क ना, सो वी हैव टू राइट डाउन द स्ट्रेटजी कि हमने कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है एंड हाउ दिस स्ट्रेटजी कैन बी इन्वॉल्व एंड यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. वो भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा इन अ रिटन फॉर्मेट, ठीक है. सो अल्टीमेटली हमको क्या होता है, देखो जो भी हम वर्क करते हैं या टास्क करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम लोग इन जनरल लाइफ में टू डू लिस्ट बना लेते हैं, या जनरली व्हेन वी गो टू द सुपर मार्केट या फिर हमको अगर कहीं मॉल भी जाना है तो जस्ट वी विल मेक सम काइंड ऑफ नोट कि हाँ आई हैव टू बाय दिस 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 थिंग्स, है ना. सो इन द सेम वे वॉट वी विल डू, वी फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी, ठीक है, नॉट इन ओरल फॉर्मेट, वी फॉर्मुलेट दैम एंड राइट इट डाउन इन अ पी इन समवेयर, ठीक है. हम लोग कुछ राइटिंग डाउन कर लेंगे कुछ पेपर में या किसी किसी समथिंग काइंड ऑफ अ नोट में. नाउ दिस विल ऑल्सो यूज टू स्टैब्लिश एंड एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी, बिकॉज आप राइटिंग डाउन कर लेंगे तो आपको आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट करना इज समवॉट ईजी एंड बेटर वे में यू कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी. ओके, नाउ एसएचआरएम सेंट्रली इन्वॉल्व्स इन क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सिव एंड मार्केट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. सो एसएचआरएम जो होता है वो जनरली एक क्वाइट रिस्पॉन्सिव होता है, लाइक एचआरएम इज अ काइंड ऑफ अ स्टैटिक, ठीक है, जिसमें हमको सिर्फ फोकस करना है ऑन एचआर एक्टिविटीज लाइक आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ हम इसी पे ही फोकस करते हैं, नन अदर देन दिस दिस थिंग्स, ठीक है. बट एसएचआरएम में हम लोग क्या करते हैं, जनरली वी विल फोकसेस ऑन थिंग्स विच आर बियॉन्ड द एचआर एक्टिविटीज, लाइक हम लोग क्या करते हैं कि उनके लाइक हम ह्यूमन रिसोर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क करें उनके बिहेवियर पे हम लोग फोकस करते हैं, उनके नॉलेज लेवल पे फोकस करते हैं, हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. बेसिकली वी विल ट्राई टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो वी विल फोकसेस ऑन मार्केट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मार्केट में किन चीज़ों की नीड है, ठीक है. लाइक हम जनरली प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाना चाहते या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, नहीं, वी हैव टू वर्क सम वर्क और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू द मार्केट और विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द मार्केट और विच कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द मार्केट, ठीक है. सो दैट इज द मार्केट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन इज योर इम्पॉर्टेंस ऑफ एस एच आर एम, कि एस एच आर एम का इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है. सो अंडर दिस फर्स्ट है कि आपका दिस विल हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ योर स्टाफिंग नीड, योर रिटेंशन एंड एम्प्लॉय टर्न ओवर, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, वी विल जनरली फोकसेस ऑन स्टाफिंग, रिटेंशन मीन्स जस्ट टू रिटेन द एम्प्लॉयज, रिटेंशन एज यू ऑल नो, एंड वॉट इज टर्न ओवर, वॉट इज एम्प्लॉय टर्न ओवर, वॉट इज एम्प्लॉय टर्न ओवर, anyone know, anyone is here, what is employee turnover, employee turnover kya hota hai, hr specialization pad rahe ho, tell me, pallavi, number of person, ha 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 ha, ek ek karke, ma'am, measurement of number of employee. Turnover is measurement of number of employee. Who is telling this? I'm Torun Kaushik. अच्छा, very nice. और बताओ जी, और कौन है? पल्लवी, आप क्या बोल रहे थे? Number of ma'am, workers. एक साल में जो work करते हैं ma'am, वो होता है. नहीं 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 नहीं. और कोई और any other idea? Anyone else? Ma'am, who leave an organization and replaced by others? No. Turnover basically means लाइक इम्प्लॉयज आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जो इम्प्लॉयज क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन. ऐसा नहीं वो विलिंगली लीव कर रहे हैं, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो गया, ग्रीवेंस हो गया है, ठीक है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन था वर्क से रिलेटेड.
आपने प्रॉपर नहीं बोला ना, सिर्फ छोड़ना नहीं होता है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करना बिकॉज ऑफ सम रीजन, रिप्लेस करके कोई और नया एम्प्लॉई नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वो अलग चीज है. वर्ड्स हमको एचआर में लगते सिमिलर है बट सबके बीच में डिफरेंसेस होते हैं. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं एसएचआरए में, वी विल इफेक्टिवली मैनेज अवर स्टाफ, ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करें, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव, वी आर लाइक, अगर हम किसी एचआर या किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके पीछे बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है. एंड ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द टर्न ओवर, ठीक है, टर्न ओवर हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. माइक ऑफ करो, माइक 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 ऑफ, स्विच ऑफ द माइक. ओके, नेक्स्ट इज लाइक इट विल, सेकेंड वी कैन से दैट दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एच आर को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द इन्वेस्टमेंट. कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, सो दैट वी विल क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट देयर पोटेंशियल्स, ठीक है, एंड ट्राई टू रिटेन देम, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके एम्प्लॉयज में पोटेंशियल है, आप उनको बार बार मोटिवेट करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, उनको बार बार प्रमोट करते हो, सो अल्टीमेटली क्या करेंगे, एम्प्लॉयज विल रिमेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. रिटेंशन रेट जो होता है वो बहुत हाई हो जाएगा, हाई रिटेंशन होगा. नाउ नेक्स्ट इज दैट दिस विल इंटीग्रेट द एच आर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट क्लियरली फॉलोज द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. वो तो एस एच आर एम का मेन एम ही है कि हम एच आर की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को ऐसे फॉर्मुलेट करें कि वो हमारे कॉर्पोरेट की जो स्ट्रेटजी है या कॉर्पोरेट का हमारा जो एम है हम उसको फुलफिल कर सकें. ओके, नेक्स्ट वन, दिस विल फैसिलिटेट द चेंज एंड अडॉप्टेशन थ्रू द फ्लेक्सिबल एंड मोर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. सो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, एस एच आर एम करना चाहते हो, सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ चेंज विच वी वॉन्ट टू अडॉप्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो अल्टीमेटली चेंज के लिए क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय वी जनरली रेजिस्ट टू द चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो यहाँ हम क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट चेंज एंड अडॉप्ट दैट चेंज एंड मेक इट सम काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल, ठीक है, हम लोग स्टैटिक नहीं होगा कि हमको यही चेंज अडॉप्ट करना है. वी विल समवॉट वी कैन से मॉडिफाई दैट चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड हियर द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है. नाउ देयर इज अ टाइटर फोकस ऑन द कस्टमर नीड एंड की एंड इमर्जिंग मार्केट एंड क्वालिटी. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेनली फोकस करते हैं ऑन कस्टमर नीड पे एंड हमारे मार्केट की नीड एंड क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ओके, सो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट वी हैव और व्हाट वी गेट दैट इज थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज द कस्टमर एंड एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयज की नीड पे, एम्प्लॉयज के स्किल्स पे, उनके उसके इन कंपनसेशन पे, ठीक है. सो अल्टीमेटली एम्प्लॉय विल फील सेटिस्फेक्शन होगा. सो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे मैन्युफैक्चर होंगे, सो अल्टीमेटली कस्टमर विल ऑल्सो फील सेटिस्फाई, ठीक है, उनके लिए भी आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है. सो दिस विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. वेयर इज द कर्सर, दिस विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड दिस विल इनहेंस द शेयर होल्डर्स वैल्यू. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगी, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है. यू कैन समवॉट लाइक मेक योर ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिग जायंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक MNCs बन सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस. नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एचआर एंड आपका ट्रेडिशनल एचआर में क्या डिफरेंस होता है एंड आपके स्ट्रेटेजिक एचआर में क्या डिफरेंस होता है. सो दिस इज द डिफरेंस दैट इज पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, ट्रेडिशनल एचआर एंड स्ट्रेटेजिक एचआर, ठीक है. सो ट्राई टू लाइक अंडरस्टैंड द पॉइंट बिकॉज ऑल आर लाइक जस्ट अ समराइजेशन ऑफ वॉट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. ओके, सो फोकस इज ऑन under the traditional HR focus is on employee relation and under the strategic HR partnership with internal and external customers. So who are the internal customers? Your employees, ठीक है, your labor, your executives, these are the internal employees, ठीक है. And who are the external employees? So external employees are your customer, your supplier, ठीक है. So these are the external customers. And next is role of HR. यहाँ पे क्या होता है, under the traditional HR role of HR is somewhat kind of transactional, ठीक है, which will follows transactional change follower and respondent, ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कोई इवेंट होता है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज काइंड ऑफ लीडर होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी इवेंट या इशू की जरूरत नहीं है, हम पहले ही इनिशिएट करके हम क्या करते हैं, हम चेंज को ट्राई करते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. यहाँ पे क्या होता है, स्लो रिएक्टिव एंड फ्रेगमेंटेड होते हैं. ये क्या होता है, अंडर द स्ट्रेटेजिक दिस इज द फास्ट प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड. ओके, टाइम होराइजन ये क्या होता है, फॉर ट्रेडिशनल एचआर इज फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, एंड फॉर द स्ट्रेटेजिक एचआर इज फॉर अ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज कंट्रोल. सो कंट्रोल लाइक ट्रेडिशनल एचआर इज समवट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, जो क्या क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से अडहेयर होते हैं, एंड यहाँ पे रोल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर कॉमनली डिफाइंड, ठीक है, आपको वही फॉलो करना है, यू कांट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. बट इन स्ट्रेटेजिक एचआर इट इज अ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, देन दिस आर लाइक फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट द चेंजेस व्हेन एवर नेसेसरी नेसेसरी टू सक्सीड. जब हमको सक्सेस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमको अगर किसी भी टाइप का चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उस चेंज को डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आइदर वी कैन चेंज दैट. ओके, नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन. सो देर इज अ टाइटर डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है, अब हम यहाँ पे लेबर को प्रॉपरली और टाइटली डिवाइड करते हैं. यहाँ पे इंडिपेंडेंस होता है एंड स्पेशलाइजेशन होता है. बट इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआर देर इज अ ब्रॉड गाइडलाइन, ठीक है, और ब्रॉड डिविजन ऑफ अ लेबर. यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, क्रॉस टाइमिंग ऑफ टीम्स होते हैं, बिकॉज कुछ टीम्स अभी वर्क कर रही हैं, कुछ टीम्स अभी वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है, कुछ टीम्स क्या है, यहाँ हाफ से वर्क करना चालू करेंगी, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ अ क्रॉस ट्रेनिंग होता रहता है. नाउ नेक्स्ट इज की इन्वेस्टमेंट. की इन्वेस्टमेंट होता है अंडर द ट्रेडिशनल एचआर इज ऑन कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम लोग फंड्स लगाते हैं फॉर कैपिटल चीजों में एंड ऑल्सो टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स. बट इन स्ट्रेटेजिक एचआर क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं ऑन पीपल एंड देयर नॉलेज, कि हम उनके नॉलेज को कैसे इंप्रूव कर सकें. ओके, सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे चारे में वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द पीपल, ट्राई टू इम्प्रूव देयर नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज. ओके, KSA, वेयर इज KSA, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज. नेक्स्ट वन अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी अंडर द ट्रेडिशनल एचआर इट इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, कि हमारा कॉस्ट कितना आया है, हम कॉस्ट के हिसाब से हमको कितना रिटर्न मिला है या बेनिफिट मिला है. ओके, बट इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआर इट इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर. सो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अल्टीमेटली हमको यील्ड मिलता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पीरियड या ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जो भी उसका मेच्योरिटी है, जब भी क्या करेंगे, इंप्लॉयज जो है प्रॉपर स्किल सेट ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक एम्प्लॉय का वर्क के बेसिस पे, ठीक है, या उसके टास्क कंप्लीशन के बेसिस पे हमको आउटपुट मिलता है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर क्या होती है यहाँ पे, कि स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं, हम लोग स्टाफ को कैसे रिक्रूट करें, उसको कैसे मैनेज करें, ये होता है. बट इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआर इट इज रिलेटेड टू द लाइन मैनेजर्स. ओके, now next topic is that is the steps in human resource strategic human resource management. So these are the steps. First one is the organizational mission goals and strategy analysis. ठीक है, so this is basically your strategy. जो generally हम लोग किसी भी organization में strategy formulate करते हैं, तो वो जिस उस part में जो होता है, like हम वहाँ क्या करते हैं, organization के mission define करते हैं, goals define करते हैं, strategy के analysis करते हैं. okay, after that हम लोग क्या करते हैं, we will do the environmental analysis, like हम internal environment and external एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं. ओके, कि हमारे इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, मैक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, इनको हम लोग स्टडी करते हैं. देन आफ्टर वी विल एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड कल्चर. ठीक है, वी कैन से लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनकी एनालिसिस करते हैं अलॉन्ग विद कल्चर. यहाँ पे कल्चर भी लिखा हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, कि ऑर्गेनाइजेशन में हम कौन सी स्ट्रेटेजी क्या करते हैं अप्लाई करेंगे. सो दिस विल गिव यू द गिव अस द बेटर रिजल्ट. ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे. सो दिस आर द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट वन इज द चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी, कि अल्टीमेटली हम कौन सी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव है ना, नॉट अ सिंगल, ठीक है, सिंगल नहीं होता यहाँ पे, लाइक 5 to 10 और वी कैन से इससे भी ज्यादा भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. उनमें से हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं कि विच वन इज मोस्ट सुटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस एचआर स्ट्रेटेजी का और उस जो भी हमने जो सेलेक्ट किया है स्ट्रेटेजी उसको. देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, वी विल रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी.
ठीक है, हम लोग जो भी एचआर की स्ट्रेटजी हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट की है, हम उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, उनका इवेल्युएशन करते हैं, वेदर दे दे फुलफिल अवर टारगेट और नॉट, इफ नॉट देन वेयर वी आर लैकिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक इमेज भी है, दैट इमेज में लिखा है कि दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज देते हैं टू इम्प्लॉयज, कि हम लोग इम्प्लॉयज को स्किल इम्पार्ट करते हैं. लाइक यहाँ क्या कर रहा है, पर्सन जो है एक इम्प्लॉय को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे जो भी स्टार है उसको अचीव कर सके. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक ऑफ SHRM. अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम. ओके, यस मैम.